बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो सर्किट ब्रेकर और कॉन्टैक्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास ब्रेकर होता है, ब्रेकर में हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, यानी कि कोई चीज़ ऑपरेट करवाने के या कोई चीज़ को कंट्रोल करने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। सिर्फ इसमें ये होता है कि आप इसको सप्लाई दें, यहाँ से सप्लाई दें और यहाँ से सप्लाई आप ले लें बाहर, या कोई भी लोड चला लें सिर्फ। अब ये एक लिमिट की इसकी जो रेटिंग है, उस रेटिंग तक अगर लोड चलता रहेगा तो ये चलाएगा, अगर उससे ऊपर आपने ले गए तो ये क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। फिर जब आपको ऑन करना होगा तो खुद जाकर आपको ऑन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ब्रेकर में फ़ायदा भी होता है और कुछ जो है बेसिकली इसमें नुकसान ही होता है कि आपको दोबारा ऑन ऑफ करना पड़ता है। मतलब सिलेक्टेड ऑप्शन है इसके पास, सही, इसमें कोई ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं होते, यानी कि ऑन ऑफ करवाएगा बस, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं करवा पाएगा। और ये जो कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर में हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं। बेशुमार से मुराद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ कंट्रोलिंग भी करवा सकते हैं, कुछ को ऑन भी करवा सकते हैं, कुछ को ऑफ भी करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ों को। मगर इसमें आपके पास इस कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए आपको जो है पहले इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई देनी पड़ती है। कैसे, इसके पास इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा होगा A1 और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है A2। जब तक इस A1 और A2 को न्यूट्रल और फेज़ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा। जब तक ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई है, जैसे ही आप इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक प्लंजर है, वो उसको खींच लेता है वापस। जैसे इसको सप्लाई मिलती है तो ये आप देख रहे हैं ये पीछे हो जाता है, ये पीछे होता है तो ये जो सप्लाई है, यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सप्लाई आ रही है तो यहाँ से सप्लाई जाना शुरू हो जाती है, यानी कि जो भी लोड पे लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली मोस्टली इधर लगी हुई होती है थर्मल ओवरलोड रिले, वहाँ पे उसके आगे जो है फिर मोटर लगी हुई होती है। तो बेसिकली इसको एनर्जाइज करने के लिए आपको सप्लाई चाहिए होती है, और जैसे ही इसको मोटर इस कॉइल को सप्लाई मिलती है तो ये एनर्जाइज हो जाता है। अब इसमें कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं, यहाँ तो आप कोई मोटर के कनेक्शन लगा देंगे और यहाँ पे आप सप्लाई दे देंगे 135 पे, 3 फेज़ का तो आप इसमें 3 फेज़ सप्लाई दे देंगे। अब इसमें कुछ आपको मज़ीद कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे होंगे, जैसे 13 नॉर्मली ओपन लिखा हुआ है, 21 नॉर्मली क्लोज लिखा हुआ है, नीचे इस तरीके से 14 होता ही है। यहाँ पे नॉर्मली ओपन, यहाँ पे आप सप्लाई देंगे और यहाँ से आउटपुट निकाल लेंगे इसकी आप। इसी तरीके से 21 में से आप सप्लाई देंगे और 22 से आउटगोइंग निकाल लेंगे, यानी कि ये दोनों आपस में यूँ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप सप्लाई देते हैं न्यूट्रल फेज। अब होगा ये जो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है ना, जैसे ही आप इसको सप्लाई देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, जैसे ही आप सप्लाई देंगे वो नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। अब इससे आप कंट्रोलिंग करवा सकते हैं, कोई भी रिले ऑपरेट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं कि भाई जब इसमें क्या कहते हैं सप्लाई आए तो ये कॉन्टैक्ट जो है फॉर एग्जाम्पल बंद हो जाए, तो बंद हो जाएगा तो आपने डायरेक्ट क्या किया होगा, नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट किया होगा, या फॉर एग्जाम्पल मतलब आप इससे कंट्रोलिंग करवा सकते हैं कॉन्टैक्टर के थ्रू। मगर ब्रेकर में आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सिंपल तो ये फ़र्क होता है कॉन्टैक्टर और ब्रेकर में। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता चला होगा कॉन्टैक्टर और ब्रेकर में। थैंक यू।